हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो सीरीज। तो आज हम स्टाइल रिबिन के कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप एक्सेल के डेटा को कुछ कंडीशंस लगा के उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल लगेगी। तो ये टेबल हमने बना के रखी है, इसमें कुछ नेम्स हैं और इनके कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं, ये टोटल है और ये इनका रिजल्ट है जो पास एंड फेल में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इनको जो ये मार्क्स मिले हैं इनको हम कुछ कंडीशंस लगा के इनको कुछ पर्टिकुलर मार्क को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन मार्क्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में आप चाहते हो कि ग्रेटर देन वाले सेक्शन में कुछ ऐसे मार्क्स हम हाईलाइट करें जो 70 से ग्रेटर देन है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेटर देन 70 लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई। अगर आप ये फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर आया है, तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, लाइट रेड फिल करना है और टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रखना है, रेड टेक्स्ट करना है, सेल कलर फिल नहीं करना है। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो। इससे सिर्फ रेड बॉर्डर ही आएगी। आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ फॉन्ट पे कुछ कलर करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर दे सकते हो। जैसे कि मैं फॉन्ट कलर में यहाँ रेड कर रहा हूँ, बॉर्डर का कलर मैं यहाँ से ब्लू कर दे रहा हूँ, फिल का कलर भी यहाँ से ब्लू कर दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं तो ग्रेटर देन 70 को कस्टम फॉर्मेट लग गया जो हमने लगाया। ठीक है, बट सिंपली मैं ग्रीन प्रेफर करता हूँ जिनको हाईएस्ट मार्क्स हैं और ओके कर दूंगा। ठीक है, आप इसको सिलेक्टेड ही रखें और यहाँ से हमने ग्रेटर देन देख लिया, अब हम लेस देन देखेंगे। कुछ ऐसे मार्क्स जो 35 से लेस देन हैं उनको हम रेड फिल रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो मार्क्स हैं जो लेस देन 35 हैं, सिलेक्शन बरकरार रखें और यहाँ से बिटवीन अगर आप करेंगे, जिनको भी 36 से लेके 70 के बीच के मार्क्स मिले हैं आप उनको यहाँ से येलो कर दें। तो आप देख सकते हैं ये वही सेल्स हाईलाइट हुए हैं जिनको 36 से लेके 70 के बीच के नंबर्स मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है इक्वल टू। अब जिनको 35 मार्क्स मिले हैं हम उनको यहाँ से कस्टम दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कट टू कट 35 मार्क्स मिले हैं उनको। ठीक है, अब है टेक्स्ट दैट कंटेन। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं पास एंड फेल को। आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जहाँ पे पास लिखा है आप उसको ग्रीन कलर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ पास लिखा होगा उसको वो ग्रीन कलर कर देगा। आप फिर से टेक्स्ट दैट कंटेन में आइए, अब आप यहाँ पे फेल लिखिए और यहाँ पे रेड कलर ही सिलेक्टेड रहने दें। तो हम देख सकते हैं कि जो फेल है वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। अब सपोज एक और पर्सन है जो फेल होता है, सपोज हम इसको फेल करके देखते हैं, आप देख सकते हैं इसको ऑटोमेटिकली वो रेड कलर दे देगा क्योंकि वहाँ पे वो रूल लगा हुआ है। अब यहाँ से नंबर भी चेंज करेंगे ना, आप देख सकते हैं इसको 35 देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर हो जाएगा। अब इसको अगर कोई 35 से कम नंबर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेड हो जाएगा क्योंकि हमने इस एरिया को सिलेक्ट करके कंडीशंस देके रखी हैं, दैट्स व्हाई ये सेल के कलर्स चेंज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है डेट अक्रिंग। तो उसके लिए आपको डेट लगेंगी, उसको आप डेट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए और डेट अक्रिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब जो यस्टरडे की डेट होगी उसको वो अपने आप देखो हाईलाइट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि लास्ट वीक की डेट को वो हाईलाइट करे तो हम लास्ट वीक सिलेक्ट कीजिए और लास्ट वीक की डेट को वो हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट वीक की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट वीक की डेट को हाईलाइट करें, जैसे आप करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टुडे को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टुडे हाईलाइट होगा, उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो वो
हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब वो नंबर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको आप कोई कस्टम फॉर्मेट देना चाहते हैं आप कस्टम फॉर्मेट दे सकते हैं। फिल में आइए और आप इसको येलो फिल विथ विद ब्लू कलर दे देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 35 1, 2 and 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 42 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 80, ये 94 एंड ये 74। तो जो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं उनको ही वो हाईलाइट कर रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि पहले जैसे हो जाए सेटिंग्स। तो यहाँ के ये सारे कैटेगरीज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम रूल्स। उसके लिए अगर आप इन पे टॉप एंड बॉटम के रूल्स लगाना चाहते हैं तो आपको पिछले रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, सिलेक्टेड सेल्स करेंगे तो सिलेक्टेड एरिया के रूल्स ही क्लियर होंगे। एंटायर शीट करेंगे तो सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे शीट के। अब यहाँ पे आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स में आते हैं। अब ये है टॉप 10 आइटम, ये टॉप 10 आइटम्स को ही सिलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो इसने टॉप 10 आइटम्स को ही सिलेक्ट किया जो टॉप कैटेगरी के थे। अब यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं टॉप 10 के लिए। यहाँ से हम बॉटम 10 के रूल लगा सकते हैं। तो ये बॉटम 10 के बॉटम के नंबर्स हैं। अब यहाँ से आप इनको ओके करेंगे तो ये बॉटम 10 के रेड और टॉप 10 के ग्रीन में हाईलाइट हो गए। हम इसको फिर से क्लियर कर देंगे और एक नया रूल लगाएंगे। यहाँ से आप टॉप 10 परसेंटेज कर सकते हो। ध्यान रहे टॉप 10 आइटम एंड टॉप 10 परसेंटेज में फर्क है। टॉप 10 आइटम में 10 आइटम सिलेक्ट होंगे बट टॉप 10 परसेंटेज में दो ही आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल कितने मार्क्स हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 24 मार्क्स हैं। तो 24 का 10 परसेंटेज कितना हुआ, 2.4, विच इज राउंड फिगर इज 2, दैट्स वाई 2 नंबर सिलेक्ट हुए। आप इसको यहाँ से कोई भी कलर देके हाईलाइट कर सकते हैं। बॉटम 10 परसेंटेज भी सेम, बॉटम के दो नंबर हाईलाइट होंगे, ओके। अब आते हैं अबाव एवरेज। तो उसके लिए आपको इन सब नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू एवरेज, ये सारी रेंज सेलेक्ट करनी है, एंटर। तो 53.5 इन सब का एवरेज है, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप अबाव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये वही नंबर सेलेक्ट हुए हैं जो 53.5 से ऊपर हैं। ये देखिए 54, 74, 80, ठीक है। और बेलो एवरेज देखें तो वही नंबर सेलेक्ट हुए हैं जो 53.5 से नीचे हैं, ठीक है। तो हमारे ये पूरी कैटेगरी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं डेटा बार्स। उसके लिए आप पूरा रेंज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आएंगे, डेटा बार्स में आएंगे तो डेटा बार्स ऑटोमेटिकली एक बार की तरह इनको दे देगा। जिनको ज़्यादा मार्क्स हैं उनको फुल डेटा बार, जिनको कम मार्क्स हैं उनको कम डेटा बार। तो आप कलर सेल्स भी दे सकते हैं, उसके लिए आप पहले क्लियर करें यहाँ से। आप कलर सेल्स भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली दे देगा। जिनको हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको ग्रीन, जिनको कम मार्क्स हैं उनको रेड। आप यहाँ से कोई भी कलर स्केल ले सकते हैं, आप खुद का कलर स्केल भी बना सकते हैं न्यू रूल करके, ये हम बाद में देखते हैं अभी। इसके बाद है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स भी ऑटोमेटिकली दे देता है,
ठीक है, हम देख सकते हैं जिनको अच्छे मार्क्स हैं उनको फुल सिग्नल, जिनको कम मार्क्स हैं उनको नो सिग्नल। तो न्यू रूल से आप खुद का कलर स्केल या रूल बना सकते हैं। आपको 2 कलर स्केल चाहिए, 3 कलर स्केल चाहिए, डेटा बार चाहिए, यहाँ से अपनी चॉइस को सिलेक्ट करिए। हाईएस्ट वैल्यू के आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, मिड वैल्यूज को कौन सा कलर देना चाहते हैं, लोएस्ट वैल्यू को कौन सा, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू को हमने ग्रीन दिया था एंड लोअर वैल्यू को हमने रेड दिया था एंड मिड वैल्यू को हमने ब्लू दिया था। अब मैनेज रूल में अगर आप चाहें तो ये जो अप्लाइज टू पे, अब यहाँ से हटा के किसको आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ तक अप्लाई करना चाहते हो तो रेंज सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो अब ये जो कंडीशन थी वो यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनको क्लियर करते हैं। तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। तो हम बोलेंगे ये तो पहले से ही टेबल के रूप में है तो फॉर्मेट एज टेबल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए देखते हैं कि फॉर्मेट एज अ टेबल की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो हम एक सम निकालते हैं, इस टोटल का भी हम टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी टोटल। अब हम एक और नाम ऐड करते हैं। तो हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक टोटल हो गई, लेकिन यहाँ पे ये टोटल वहीं की वहीं रही। मैं चाहता था कि ये टोटल ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाए, बट ये नॉर्मल बॉर्डर्स में या नॉर्मल टेबल फॉर्मेटिंग में पॉसिबल नहीं है। आपको इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट एज टेबल में आइए और यहाँ पे कोई भी कलर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लीजिए। माई टेबल एज हेडर्स, हमें हमारी टेबल पे ये हेडर्स पहले से ही हैं तो इसको टिक रखें और ओके कर दें। तो हम देख सकते हैं कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे टेबल टूल्स भी एक्टिव हो गए। तो ये कुछ हेडर रो हैं, आप इसको अनटिक करेंगे तो ये हेडर रो हट जाएगी। ये फिल्टर बटन है, तो अब यहाँ से ये फिल्टर बटन एक्टिव हो जाता है। आपको पास वाले देखने हैं तो आप पास पे टिक करेंगे, ओके करेंगे तो पास कैटेगरी वाले दिखाएंगे। आपको फेल वाले देखने हैं, पास को अनटिक करें ओके करें तो ये फेल वाले दिखाएंगे। दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो सारे स्टूडेंट्स शो होंगे। तो फिल्टर बटन अगर आपको डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, यहाँ से वो बटन चला जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे टिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम पे करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। टोटल रो अगर आपको एंड में चाहिए तो नीचे एक टोटल रो आ जाएगी। बैंडेड कॉलम्स कुछ चाहिए तो ये कुछ डिज़ाइन सी आती हैं, बट उसके लिए आपको दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं बैंडेड कॉलम्स एंड बैंडेड रोज आई हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये टोटल ऑटोमेटिक ऐड हो जानी चाहिए थी, तो उसके लिए आप फिर से टोटल निकालिए, इक्वल टू सम। आप पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं इसमें टेबल 1 टोटल कुछ ऐसे करके आया है, आप एंटर कर दीजिए। अब हम इसमें एक और नाम अगर आप ऐड करना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, ये टोटल भी इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो गई। तो ये फायदा होता है टेबल फॉर्मेटिंग का। और टेबल फॉर्मेटिंग में आपको टेबल टूल्स भी मिलते हैं। आप यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये बटन सभी हमने देखे। आप चाहें तो यहाँ से टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप टेबल को रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप टेबल को सिर्फ इतना ही रखना चाहते हैं तो आप इतना ही रखें और ओके कर दीजिए। तो ये अब टेबल के बाहर हो गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल भी चेंज हो गई। अगर आप इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे
और यस करेंगे। अब ये टेबल टेबल नहीं रही, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड सिंपल कलर फॉर्मेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं हमने टेबल के अंदर क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पे कोई टेबल टूल नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अब नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आपको वापस टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप वापस इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल सेट कर दीजिए, तो ये वापस टेबल बन जाएगा। अगर आप टेबल से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना चाहते हैं जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इन स्लाइसर मतलब क्या, स्लाइसर पे क्लिक करें, आप रिजल्ट पे क्लिक करें और ओके कर दीजिए। तो आप फेल पे क्लिक करेंगे तो ये फेल वाले स्टूडेंट्स दिखाएगा, पास पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ पास वाले स्टूडेंट दिखाएगा, तो एक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अब वापस सारे लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दें तो ये स्लाइसर चला जाएगा। तो टेबल टूल के कुछ ऑप्शंस हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो हमने टेबल को वापस नॉर्मल कर लिया है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं सेल स्टाइल्स क्या होते हैं। तो सेल स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप किसी भी सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर दीजिए, अब यहाँ से कोई भी सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वो उस सेल स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ये कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रो को आप ग्रीन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कर दीजिए। अगर आप खुद का सेल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेल को आप पहले फॉर्मेट कीजिए, अगर आपको ये सेल स्टाइल में ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आइए, न्यू सेल स्टाइल पे आइए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अगर ये सेल स्टाइल अगर आपको बाकी सेल्स में चाहिए तो आप वो रेंज सेलेक्ट कीजिए और आप अपनी बनाई हुई सेल स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे स्टाइल रिबिन के ये ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।